दोस्तों आज के बाजार का हालचाल जान लेते हैं आज जो बाजार था वो अगेन एक स्टेबल बाजार था और निफ्टी फिफ्टी आप देख सकते हैं तेईस पॉइंट पर बंद हुआ 5.65 केवल बढ़कर के बढ़ बंद हुआ तो बात मार्केट जो है न इधर जा रहा है न इधर जा रहा है कहीं भी नहीं जा रहा है मार्केट को अभी फिलहाल कोई क्लू मिलता हुआ नजर नहीं नजर आ रहा है किसी भी तरह का जो भी मार्केट का इवेंट था वो पिछले हफ्ते वो सारा कुछ डिस्काउंट ऑलरेडी हो चुका है बाकी इंडिसेस देखिए वो ऑलमोस्ट सभी इंडिसेस जो है आपको फेल आपको फ्लैट बंद होते हुए नजर आए देख सकते हैं आप निफ्टी नेक्स्ट 50 निफ्टी 100 ये देखिए सभी एकदम फ्लैट है इसके अलावा अगर आप देखें निफ्टी 200 की बात करें पॉइंट वन थ्री मिड कैप पॉइंट एट थ्री यहाँ थोड़ी सी एक्शन आपको देखने को मिली पॉइंट वन ए पॉइंट एट वन आपको मिड कैप और स्मॉल कैप पॉइंट फाइव फाइव ये यहाँ पे बढ़ करके बंद हुआ है ठीक ठाक पोजीशन में कुल मिलाकर लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं है लेकिन एक राहत की बात यह है कि इंडिया विक्स और भी ज्यादा नरम पड़ रहा है 9.95 परसेंट चौदह यानी मार्केट में अब स्टेबिलिटी आपको नजर आएगी मिड कैप स्मॉल कैप जो भी फंड है आप देख सकते हैं 0.82 से लेकर के 0.34 थ्री यहां पर बढ़ते हुए नजर आए देख सकते हैं आप हर एक इंडेक्स जो है वो करीब करीब यहां आ, हरे निशान में ही था और ऑलमोस्ट जहां मजा थे पॉइंट सेवन फाइव यहाँ पे आपको मिड कैप फोर हंड्रेड ये बढ़ा है तो निफ्टी बैंक आज ये भी पूरी तरह से फ्लैट था माइनस पॉइंट वन फाइव ऑटो की बात की जाए तो उसमें थोड़ा सा एक्शन आपको दिखाई दिया और फाइनेंशियल में पॉइंट वन थ्री तो करीब करीब सभी यहाँ पे आपको फ्लैट नजर आ रहे हैं लेकिन मीडिया जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है पॉइंट सेवन फाइव ये

7.19 परसेंट आज के डेट में एक सौ बंद हुआ ये बाज, बाजार क्लोज होने तक आप देख सकते हैं कि जबरदस्त यहाँ पर ओपन हुआ और उसके बाद लगातार इसमें लिवाली ही लिवाली छाई रही अगर आप इस कंपनी के मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो कंपनी ने अब तक 138 परसेंट का रिटर्न दिया हुआ है और फिलहाल अपने टॉप से करेक्ट हो चुका है 2800 से ये करेक्ट होकर आपको 2800 से एक सौ रुपए के आसपास ये करेक्ट हो गया परसेंटेज वाइज अगर बात करें तो ये स्टॉक का करेक्ट होकर वेटा हो हो के वेटामिन ये स्टॉक करेक्ट होकर के थर्टी नाइन परसेंट करेक्ट होकर आज के डेट में आपको मिल रहा है तो क्वालिटी कंपनी है और फिलहाल जो न्यूज थी जिसके कारण ये बेसिकली कैबिनेट ने कल ये अप्रूव किया था कि तीन करोड़ कैबिनेट ने अप्रूव किया था कि तीन करोड़ और घर जो है वो बनाए जाएंगे और इस आशा में यहां पर यह कम, इस कंपनी का जो शेयर है वो बढ़ता हुआ नजर आया चलिए कुछ फाइनेंशियल्स देख लेते हैं आवास फाइनेंसरीज के तो कंपनी जो है एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है चौदह हजार पांच सौ चौदह हजार छह सौ करोड़ रुपए का मार्केट कैप है पी जो है ट्वेंटी नाइन है आर की बात करें फ्रेंड्स तो यह है नाइन पॉइंट नाइन वन और आर ओई तो एक बड़ी कंपनी और एनबीएफसी में इसी तरह के डेटा आपको दिखाई देंगे चार रुपए का बुक वैल्यू है जिसके अगेंस्ट में अठारह रुपए का यहां पे कारोबार कंपनी कर रही है और कंपनी का काम है हाउसिंग लोन देना नाम से ही क्लियर है आपको आवास आवास यानी कि घर घर के लिए लोन देने वाली कंपनी है ये एक नज़र इसके कंपैरिजन पे डाल देते हैं इंडस्ट्रीज़ में जो कंपैरिजन uh, करें अगर इंडस्ट्रीज के कंपनियों से और उनके पी .E. की बात करें तो उसमें आवास का जो पी .E. है वो 29 आपको नजर आ रहा है और यहाँ पर जो पी .E. के टर्म्स में यानी वैल्यूएशन की बात करें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा नजर आएगा यानी मार्केट हो कर रहा है कि इसका जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू बाकी कंपनियाँ जो कि अभी अब इसमें एप्टर्स की अगर बात करेंगे तो ये भी नई नई लिस्टेड कंपनी है और बाकी कंपनियाँ जो है ऑलरेडी पुरानी कंपनियाँ हैं जिसमें से कि कैनफिन होम्स हैं और पीएनबी हाउसिंग है एल हाउसिंग है हुडको है यानी कि कई कई सारी सारी कंपनियां जो एन है उससे यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश की गई है आधार हाउसिंग है एंड देन आवास फाइनेंसली उसमें सबसे ज़्यादा पी जो है वो यहाँ पे आपको इस कंपनी का ही बढ़ता हुआ नजर आएगा इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से छप्पन करोड़ रुपए के साथ जो है टॉप पर हुडको है जो कि एक सरकारी कंपनी है इसमें सरकारी कंपनियों की बात करें तो टॉप थ्री पर सरकारी कंपनी हुडको एल और पी आपको दिख रही हैं अब थोड़ा सा मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करने की कोशिश करता हूं अभी अगर आप देखें तो पांच करोड़ रुपए का सेल्स कंपनी ने रिपोर्ट किया मार्च 2024 में अब पांच करोड़ रुपए का अगर मार्च पिछले मार्च की बात करें तो 450 करोड़ रुपए से यहां पे करीब करीब कंपनी का जो सेल है वो सौ करोड़ रुपए बढ़ गया है तो अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है एक साल के अंदर और एक रुपए का जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट जिसको बाकी कंपनियां ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहती हैं एक सौ छियासी करोड़ रुपए हुआ है और मार्जिन की बात करें थर्टी सेवन परसेंट मार्जिन है कंपनी का बिजनेस का वो थर्टी फोर यानी तीन परसेंट के दबाव में आत, आता हुआ आपको दिखाया तो ठीक ठाक यहाँ पे परफॉर्मेंस है ये ईयर वाइज हुआ और क्वार्टरली की बात अगर करें तो क्वार्टरली में पांच करोड़ का पांच हुआ और दो करोड़ रुपए का जो इंटरेस्ट था वो दो सौ पे हुआ और एक का एक हुआ तो और कुल मिलाकर के अगर इसकी बात करें आप मार्जिन की वो भी बढ़ रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें एक जो इस साल था पिछले साल की बात करें अगर मार्च से तो वो एक था एक वाला एक हो गया और पिछले क्वार्टर की बात करें एक वाला एक हुआ यानी कि ईयर ऑन ईयर और साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में कंपनी का यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस रहा है बट यहाँ पे एक मैटर मैटर ऑफ कंसर्न केवल है वैल्यूएशन का यानी कि आपको गिरते हुए बाजार में, में खरीदना और ऑलरेडी करेक्टेड स्टॉक है 39 परसेंट एक नजर आप डाल लीजिए नेट प्रॉफिट पर तो नेट प्रॉफिट एक करोड़ जो कि पिछले साल अगर आप देखेंगे तो वो एक मिनट फ्रेंड्स एक सौ करोड़ रुपए था और जो कि बढ़कर के हो जाता है एक करोड़ और पिछले साल इस पिछले क्वार्टर में 117 का सत्रह होता है यानी कि हर जगह पे आपको अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए कंपनी नजर आ रही है और ईपीएस देखें तो ईपीएस में ग्रोथ लगातार है सोलह रुपए तेरह पंद्रह चौदह और अठारह तो कुल मिलाकर के सोलह वाला ईपीएस पिछले साल की तुलना में इस समय हो गया अठारह सबसे जरूरी चीज ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए क्या एनपीए घट रहा है अगर आप देखें तो 0.67 और पिछले साल था 0.68 तो 0.01 यहां पे घटा है और पिछले क्वार्टर में ये नेट एनपीए की बात करें तो पॉइंट सेवन नाइन से घट करके 6, हो गया, जो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस इंडिकेटर कंपनी के लिए साबित हो सकता है फ्रेंड्स अभी फिलहाल मैं आपके सामने इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ रखना चाहूंगा दस साल पांच साल तीन साल का दस साल में चौवालीस परसेंट साल में पांच साल में तेईस परसेंट और तीन साल में बाईस परसेंट पे है ये जबरदस्त यहां पे कंपनी ने परफॉर्मेंस करके दिया है प्रॉफिट की बात करें चौवन परसेंट तेईस परसेंट और उन्नीस परसेंट तो ये कंपनी अपने जो आर है अपने जो आर के साथ साथ जो है सेल्स ग्रोथ को भी कायम करने में सफल रही है ये एक पॉजिटिव पॉइंट है और स्टॉक उसमें रिएक्ट करता हुआ नहीं नजर आ रहा है ये आपको देखना चाहिए अंडर वैल्यूड स्टॉक है मार्केट इसको अभी फिलहाल वैल्यू देने के लिए तैयार नहीं है तो हो सकता है कि आने वाले कल में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता हुआ आपको दिख जाए अब यहाँ पे आप मैटर ऑफ कंसर्न केवल एक है और वो है प्रमोटर का अपने स्टेक को सेल करना 39 परसेंट से प्रमोटर बढ़ घट करके हो गए 26 परसेंट प्रमोटर ने यहाँ पे मुनाफा वसूली कर ली ये एक मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है कि प्रमोटर ने यहाँ पे क्यों करके ये शेयर बेचा और एफआईआई आई यहाँ पे जबरदस्त तरीके से 34 परसेंट होल्ड कर रहे हैं डी आई और चौदह पब्लिक है ये जैसे कि आप महिंद्रा एंड महिंद्रा का आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न उसी तरह से यहाँ पे करीब करीब दिखता हुआ नजर आ रहा है तो अगर प्रोफेशनली भी अगर कंपनी मैनेज हो सके अच्छे से मैनेज हो सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बस फिलहाल कंपनी अगर अपने ग्रोथ पे ध्यान देती है और सेल्स ग्रोथ और कंपनी का मैनेजमेंट अगर अच्छे हाथों तो में है तो कोई दिक्कत नहीं है प्रमोटर्स कभी कभी क्या होता है कि प्रमोटर्स के कैटेगरी में एफ भी आ जाते हैं वो उन ये जो परसेंटेज है फ्रेंड्स ये चेंज हो जाए हो जाएगा अगर प्रमोटर की तरह वो अपने आप को ट्रीट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल हो सकता है फ्रेंड्स बीकाजी फूड्स में आज तीन परसेंट की तेजी रही छः पर यह स्टॉक बंद हुआ अगर बात करें इसके ऑल टाइम रिटर्न की तो कंपनी हाल ही की लिस्टेड कंपनी है और मुझे लगता है कि 2022 2022 नवंबर में ये लिस्ट हुई थी और वहाँ से लेकर अब तक ये स्टॉक 119 परसेंट का रिटर्न अपने निवेशकों को दे चुका है और फिलहाल जो है बाकी चीज़ें देखते हैं क्यों ये तेजी लगातार बनी हुई है स्टॉक्स में अगर आप इसके एक महीने के रिटर्न को देखेंगे तो लगातार स्टॉक जो है वो तेजी ही रहा है पांच सौ तेईस रुपए से स्टॉक जो है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और इस समय स्टॉक ने तैतीस परसेंट का रिटर्न जो है वो एक महीने में दे दिया बीकाजी पर आइए कंप्लीट एनालिसिस करते हैं तो बीका जी फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे बीका जी एक एफएमसीजी कंपनी है और कंज्यूमर ड्यूरेबल में काम कर रही है और खास करके अगर बात करें इलेक्शन के रिजल्ट के बाद और इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जिस तरह से डाबर एच वगैरह जो है वो भागे हैं और उस तरह से हम देख सकते हैं कि, कि कंज्यूमर कंपनियाँ जो है अब लाइम में हो सकता है कि अगले तीन साल के लिए आ जाए क्योंकि बाकी सेक्टर में हो सकता है कि थोड़ा यहाँ दिक्कत हो सकती है सत्रह हज़ार चार सौ करोड़ रुपये का यहाँ पर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी है थोड़ा महंगा है रुपये अब उस हिसाब से इसको ग्रोथ दिखाना होगा आर ओ सी ट्वेंटी नाइन और आर ओ ई ट्वेंटी फोर तो ये दोनों ही यहाँ पे फिगर अच्छे हैं अब कंपनी ना है अब कितना हमें विश्वास करना होगा कितना नहीं फोर्टी नाइन यानी कि टेन टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रही है उससे भी ऊपर जो भी डेटा है हमारे सामने उससे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि अभी कंपनी का जो सेल है वो छह सौ छह करोड़ रुपए मार्च दो हजार चौबीस की बात कर रहे हैं और मार्च दो हजार तेईस में एक सेल्स था चार सौ चौवन करोड़

यानी कंपनी का जो प्राइसिंग पावर नहीं है अगर इसको कंपनी बढ़ाने में सफल हो जाएगी जैसा कि इस क्वार्टर का इंडिकेशन है हो सकता है आगे भी यही मार्जिन हो यानी ऑपरेटिंग मार्जिन तो एक अच्छा एडवांटेज होगा अदरवाइज इस बिजनेस में हमेशा रिस्क रहेगा फ्रेंड्स क्योंकि आगे चल के और खर्चो अगर कंपनी कंट्रोल नहीं करती है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट करेगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक पिछले साल था इक्यावन यानी कि तीन गुना प्रॉफिट कंपनी ने बढ़ा लिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट की बात करें सैतीस करोड़ और सैतीस करोड़ का हो जाता है एक सौ सोलह ये भी तीन गुना के आसपास हो जाता है पिछले क्वार्टर में ये उनचास था और इस तरह से ई जो कंपनी का पिछले साल डेढ़ रुपये के आसपास था वो साढ़े चार रुपये हो गया यानी कि थ्री टाइम्स यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ई में आपको बढ़ोतरी दिखी अब मैं आपको यहाँ पर कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 10 साल में 19 परसेंट पाँच साल में 21 परसेंट तीन साल में 21 परसेंट तो एटलीस्ट कंपनी जो है वो 18 परसेंट से लेकर के 19 परसेंट सेल्स ग्रोथ करके दिखाएगी और उसको अगर 10 साल में अगर आप प्रॉफिट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो 25 परसेंट का होगा ट्वेंटी का सी प्रॉफिट और ट्वेंटी का यहां पर सेल्स ग्रोथ और आर है करीब करीब ट्वेंटी तो ठीक ठाक यहाँ पे एक अच्छा फिगर कंपनी का दिखने को मिल रहा है लेकिन कंपनी को अगर और भी एक्सेल करना है जैसे कि अगर आपको इस कंपनी से और भी रिटर्न चाहिए तो यहाँ पे कंपनी को सेल्स ग्रोथ ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि आप देखिए इस समय मार्केट में ये पी रेशियो सिक्सटी फाइव चल रहा है और उसके कंपेरिजन में अगर आप केवल बीस का सेल्स ग्रोथ देकर करेंगे तो यहाँ पर पी एक्सपेंशन होगा और हो सकता है कि मार्केट अगर करेक्ट होने कोशिश करेगा तो करेक्ट हो सकता है, ये अभी एक तरफा तेजी जा रही है क्योंकि चौसठ परसेंट तो का तेजी यहां पे दिख गई है Friends, की बात करें? तो शेयर होल्डिंग है सेवेंटी फाइव परसेंट प्रमोटर्स है एफ आई आई सेवन पॉइंट सिक्स और थर्टीन परसेंट डी आई आई और तीन परसेंट पब्लिक है जो कि एक अच्छा हेल्दी इंडिकेशन है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बराबर चल रहे हैं दो हजार बाईस से बानवे हजार से लेकर पचासी हजार के बीच में तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से भी देखा जाए तो पब्लिक कम है तो पब्लिक जहां कम है यानी हाथ बदलने के लिए बहुत सारे लोग अभी अभी रेडी हैं तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर बन, बन सकता है अगर किसी को इस शेयर के बारे में विचार करना है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो फिलहाल एकदम शांत है और मार्केट में फिलहाल कोई इवेंट नहीं है और जैसे ही कोई इवेंट होगा तो मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा इसके अलावा मैंने देखा इसके अलावा आपने देखा कि बीका जी और साथ ही साथ आवास जो है वो अपने अपने फैक्टर्स के लिए यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए थैंक यू सो मच so